हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दिल्ली पुलिस के एक और नए वीडियो में। साथियों, इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस फिजिकल की डेट को लेकर। साथियों, आप सभी को वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। कुछ मैं आपको फैक्ट सामने रखूंगा, आप सभी को बिलीव हो जाएगा कि हाँ, दिल्ली पुलिस की डेट कभी भी अनाउंसमेंट हो सकती है। जो भी साथी सीरियसली तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो के अंदर बने रहना। आप सभी को कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो दिल्ली पुलिस फिजिकल के लिए ज़रूरी रखने हैं वो भी मैं इस वीडियो के दौरान बताऊंगा। आप सभी एक एक करके इस वीडियो को देखते जाइए। सबसे पहले पॉइंट के ऊपर हम बात कर लेते हैं कि दिल्ली पुलिस का फिजिकल है जो 15 जुलाई से पहले भी हो सकता है क्या? आप सभी के मन में ये डाउट होगा। तो साथियों, मैं कुछ बातें बता रहा हूँ आपको, वो आप देख लेना, उससे आपको अनुमान हो जाएगा। यहाँ पर फैक्ट ये है कि पुलिस जॉब है वो नॉन स्टॉप होती है। कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का उठा के देख लो या फिर दिल्ली का, कहीं पर भी दिल्ली पुलिस या फिर किसी भी स्टेट की पुलिस जॉब जो होती है ना, वो नॉन स्टॉपेबल होती है। यानी कि उस जॉब को करवाने का मतलब जितना हो सकता है ना, वो प्रयास कराया जाता है। आप सभी ने देखा होगा कि अभी यूपी के अंदर पुलिस की SI, पुलिस की ASI और अभी जो अनाउंसमेंट होने वाला है वो पुलिस से सब कॉन्स्टेबल का भी होने वाला है। आप सभी को पता है, आप सभी को पता है कि दिल्ली से भी कहीं ज़्यादा अब की बार राजस्थान के अंदर जो वो कोरोना के मामले थे, लेकिन कोरोना के मामले जैसे ही कम हुए हैं, आप सभी को देख लिया होगा आपने कि जो फॉरम्स हैं वो रीओपन होने स्टार्ट हो गए हैं। इनके अंदर पुलिस का नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है नई भर्तियों का। आप सभी को पता है कि SI का जो फॉरम है वो कल से रीओपन होने वाला है। तो आप सभी एक पॉइंट को यहाँ पर ध्यान में दीजिए कि जैसी भी सिचुएशन है, थोड़ी सी भी कंट्रोल में अगर सिचुएशन होती है तो पुलिस का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। ऐसे ही दिल्ली पुलिस यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की और दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा पुलिस की ज़रूरत होती है, आप सभी को पता है। पुलिस की जॉब के अंदर कोई भी यहाँ पर ढील नहीं बरती जाती है। तो आप सभी एक चीज़ मान लीजिए कि आप है, एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपको एक बार ये पूछिए अपने आप से कि मान लीजिए कि कल नोटिफिकेशन कोई आ गया और बोल दिया गया कि आपकी फिजिकल डेट है वो 1 जुलाई से है, ठीक है। मैं यहाँ पर कंफर्म नहीं बता रहा हूँ, आप सभी को एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि 1 जुलाई से आपके फिजिकल स्टार्ट है, यानी कि अभी आपके पास में करीब 20 दिन बचे हुए हैं और कल नोटिफिकेशन जारी हो जाए। तो अपने आप से एक क्वेश्चन पूछिए कि क्या आप प्रिपेयर हो कि 1 जुलाई को आप फिजिकल तैयार करके फिजिकल को क्वालिफाई कर सकते हैं। आप सभी जो भी सीरियस स्टूडेंट है ना, वो मैं एक चीज़ जानता हूँ कि मैंने जब फिजिकल की तैयारी करवाई थी, जब जो भी सीरियस स्टूडेंट होते हैं ना, वो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखते हैं और सीरियसली होकर तैयारी करते हैं। उनका एक ही मनोबल होता है कि चाहे हमारा फिजिकल कल ही क्यों ना हो जाए, हम फिजिकल को क्वालिफाई करके रहेंगे। क्यों? क्योंकि जो स्टूडेंट यहाँ पर डील बरतते हैं, जो देखते हैं कि डेट आएगी उसके बाद में हमें 1 महीने का टाइम मिलेगा, 1.5 महीने का टाइम मिलेगा, तो ऐसी थिंकिंग वाले यहीं पर रह जाते हैं। साथियों, फिजिकल के अंदर आप सभी को पता है कि मुश्किल से तो यहाँ पर कोरोना के मामले कम होने लगे हैं और अभी जो वो डील नहीं बरती जाएगी, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट ऐसा है कोरोना के काल के अंदर सबसे ज़्यादा जो होती है वो पुलिस डिपार्टमेंट की ज़रूरत होती है, आप सभी को अच्छी तरीके से पता है। तो जो सीरियस स्टूडेंट हो, वो मुझे पता है कि सीरियसली अपनी तैयारी में लगे हुए हैं और जो डेट का इंतजार कर रहे हैं वो डेट का इंतजार करते ही रह जाएंगे। तो जो भी मेरे भाई बहन सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप प्लीज़ ध्यान देना, इस वीडियो के अंदर जो मैं बता रहा हूँ आप वो डॉक्यूमेंट्स तैयार रखना, जो फैक्ट बता रहा हूँ वो मान लीजिएगा कि यहाँ पर नोटिफिकेशन कभी भी जारी हो सकता है। आप सभी को पता है कि राजस्थान के अंदर रीट की जो एग्ज़ाम थी, आप सभी को पता है कि बहुत बड़ी एग्ज़ाम है ये, ओके। रीट की जो एग्ज़ाम थी वो ऐसा लग रहा था कि जून के लास्ट तक इसके जो मतलब कुछ फॉर्म स्टार्ट होंगे, SI के फॉर्म हैं वो जून के लास्ट तक स्टार्ट होंगे, ये सभी का मानना था। लेकिन आप सभी को पता है कि जैसे यहाँ पर रिहाइत हुई है थोड़ी सी कोरोना के काल में, तो उसके दौरान यहाँ पर फॉर्म से वो रीओपन कर दिए गए हैं। एक जो फॉर्म है वो बिजली वाला जो है वो यहाँ पर 7 जून को स्टार्ट हो चुका है। तो ऐसे करके यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि इतने बड़े स्टेट के अंदर जब कोरोना के मामले इतने ज़्यादा थे, उसके बाद भी यहाँ पर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो आपका दिल्ली पुलिस वाला फिजिकल भी कभी स्टार्ट हो सकता है। क्योंकि आप थोड़े से कैंडिडेट हो, ऐसा नहीं है कि दिल्ली पुलिस के अंदर अब की बार कोई फिजिकल पहले हो रहा है, क्योंकि आप कुछ से कैंडिडेट हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको यहाँ पर कोई लाखों में या फिर 2-3 लाख यहाँ पर कोई संख्या है उसके दौरान जब फिजिकल लेना है तो वहाँ पर सोचते। आप सभी को पता है कि दिल्ली के अंदर तो पहले से ही मामले बहुत कम हो रहे हैं, यानी कि दिल्ली की हालत तो वो राजस्थान से बहुत पहले की सुधर रही है यहाँ पर। तो आप सभी अलर्ट रहें, जो सीरियस स्टूडेंट हैं उनको मैं कहना चाहूँगा कि प्लीज़ फिजिकल की तैयारी अपने ज़ोरों से करें। आप ये मानकर चलें कि आपका 1 जुलाई से फिजिकल है, आप ये मत सोचिए कि आपका 15 जुलाई से है या फिर अगस्त के अंदर होगा। आपको मैं यहां पर कोई डेट नहीं बता रहा हूं, आपको ध्यान में रखने की चीज बता रहा हूं कि जो स्टूडेंट अपना फिजिकल क्वालिफाई करना चाहते हैं वो इसके अंदर बिल्कुल भी ढील ना बरतें। उसके बाद में जरूरी डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं साथियों? जरूरी डॉक्यूमेंट्स एक तो आधार कार्ड, फुल DOB यानी कि डेट ऑफ बर्थ ऐसी होनी चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर यहां पर लगा हुआ है कोई 1995 यहां पर लगा हुआ है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो कंप्लीटली यानी कि
आप सभी को पता है कि डेट ऑफ बर्थ क्या होती है, जैसे कि यहाँ पर डे होता है, ठीक है, डे होता है, फिर मंथ होता है, फिर उसके बाद में ईयर होता है, तो ऐसे करके कंप्लीट होनी चाहिए। और सेम नेम, यानी कि जो भी आपका मार्कशीट, जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर पुट कर रखे हैं फिजिकल के, जो आपने जो फॉर्म अप्लाई किया था उस दौरान जो पुट किए थे आपने, वही डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो नाम है वही इस आधार कार्ड के अंदर होना चाहिए। यानी कि छोटी सी प्रॉब्लम के कारण भी आप कहीं पर अटक जाते हो तो आपके लिए बड़ा धोखा होता है। आप सभी को ये आपने बहुत बार देखा होगा कि जब आप एग्जाम देने जाते हो तो आजकल वो अकेले डेट की जो ईयर होती है ना, उस वाले जो होते थे उसके अंदर आधार कार्ड को वो बाहर निकाल दिया जाता था, उन स्टूडेंट को वो अंदर नहीं जाने देते थे। क्यों? क्योंकि वो एक ही चीज़ कहते हैं कि फुल होनी चाहिए आपकी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, कि डे क्या है, मंथ क्या है और उसके बाद में ईयर क्या है। तो आप सभी कैंडिडेट इसका ध्यान रखें। दूसरी बात, कैटेगरी जो सर्टिफिकेट, यानी कि EWS, OBC या फिर SC का जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है, आप उसी को अपडेट रखें, अपने पास में रखें। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बाद में बनवाएंगे या फिर बाद में अपडेट करा लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है, आप सभी अभी करवा सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई शायद ही स्टेट होगा जहां पर ऐसी अभी यहां पर स्टॉप लगा हुआ है इन सब के प्रोसेसिंग पर। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर फोटो मार्कशीट, DL यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस है, ETC यानी कि इसके अंदर आपको और नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन ऐसे ये डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो पहले से ही रेडी होने चाहिए, क्योंकि जो बाद में कुछ और भी एक्स्ट्रा मांगा जाता है तो वो सब तैयार करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो आप सभी ये डॉक्यूमेंट्स सभी से नोटिफिकेशन का यहाँ पर आप इंतजार मत कीजिए कि नोटिफिकेशन आएगा तभी हम करेंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन जारी होने के बाद में समझ नहीं आएगा कि आपको अभी फिजिकल की तैयारी करें या फिर डॉक्यूमेंट्स के पीछे पीछे घूमें। तो आप सभी के जो भी कमी है प्लीज़ डॉक्यूमेंट्स को पूरा कर लीजिए। सीरियस स्टूडेंट हैं आप सभी, दिल्ली पुलिस के भावी जवानों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेष हैं। आप सभी फिजिकल की तैयारी करें और फिजिकल क्वालिफाई करके आप 100% इस जॉब के ऊपर कार्यरत हों, इसकी मैं मनोकामना करता हूं। आप सभी जो वो फोटोज हो अपनी अभी से, कोई अगर नहीं है तो वो तैयार रखना, ठीक है। मार्कशीट है वो आपकी, जैसे कि 10th और 12th की मार्कशीट है वो तैयार रखना, अगर फोटो कॉपी उनकी मांगी जाती है तो। ड्राइविंग लाइसेंस है वो तैयार रखना, और आदि जो और डॉक्यूमेंट्स आएंगे नोटिफिकेशन के दौरान वो भी मैं वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए अपने ये डॉक्यूमेंट्स अपने पास में देख लें, जाँच कर लें कि सब कुछ कंप्लीट है या नहीं है। इस वीडियो से रिलेटेड या फिर दिल्ली पुलिस फिजिकल से रिलेटेड कोई भी आपको अगर डाउट है तो प्लीज़ वीडियो के सेक्शन में आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा ये बताना, और लाइक करना अगर वीडियो पसंद आ रहा तो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।